लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ 4x अपॉन साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू। तो हमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता होती है लिमिट्स की, कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ x अपॉन x ये क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। तो सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि अगर साइन ऑफ x अपॉन x की लिमिट तो होती है 1 इक्वल टू 1, लेकिन अगर लिमिट x टेंड्स टू यहाँ लिखा होता है साइन ऑफ a x अपॉन a x, तो ये भी क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। तो अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, साइन ए एक्स की फॉर्म वाला है। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स टेंड्स टू जीरो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 4x अपॉन साइन ऑफ 2x। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर चाहिए, ऐसे लिमिट में बनाने के लिए नीचे चाहिए डिनोमिनेटर में 4x। तो डिनोमिनेटर में 4x कैसे लाएंगे, लेट्स सी। तो हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अब साइन ऑफ 4x। तो साइन ऑफ 4x तो डिनोमिनेटर में चाहिए 4x, तो नीचे 4x से डिवाइड कर दिया। अब 4x से डिवाइड किया तो 4x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमारे पास में ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है साइन 2x, तो इसकी भी लिमिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए 2x ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमें 4x ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ उसे मैं लिखता हूँ 2 into 2x। तो साइन ऑफ 4x अपॉन 4x एंड 2x अपॉन साइन 2x ये क्या जाएगी, लिमिट इक्वल टू 1। तो ये पूरी सिंप्लीफाई होकर वैल्यू क्या जाएगी, ये लिमिट भी 1, ये लिमिट भी 1 और इंटू 2 है, तो आ जाएगी वैल्यू इक्वल टू 2। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू